तो अभी सेशन को आगे बढ़ाते हुए अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस निकिता जैन, जो यूनिवर्सिटी के एमडी ग्लोबल हैं और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट सेल के हेड हैं. बहुत ही यंग एंड टैलेंटेड, यू नो, वन ऑफ द लीडर ऑफ यूनिवर्सिटी, जिनकी वजह से आई थिंक ये विमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड डेवलपमेंट सेल हम क्रिएट कर पाए हैं और आगे भी इनके लीडरशिप में हम बहुत अच्छा इसमें कर पाएंगे. सो विद दिस नोट मैडम, नाउ आई एम वेलकमिंग यू टू गिव योर ओरिएंटेशन अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेल. हमने ये सेल क्यों शुरू किया, फ्यूचर में हमारे क्या प्लान्स हैं, ये हमारा क्या बेसिक विजन था, ये सब हमारे ऑडियंस को बताने के लिए मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ. निकिता मैम, नाउ स्टेज इज योर्स. थैंक यू वेरी मच कृति मैम एंड अर्पिता मैम फॉर द सच अ फैंटास्टिक इंट्रोडक्शन ऑफ माइन एंड अ चीयरफुल मॉर्निंग टू ऑल. आई होप यू ऑल आर कीपिंग गुड एंड इन अ गुड हेल्थ. आई एम निकिता आदि जैन, working as the MD Global and initiating for this Women Entrepreneurship and Development Cell. And thank you all for being here. We Swarnim University, हम लोग काफी time से committed हैं कि अपनी society को एक ऐसा work दे जिससे वो uplift हों और अपने nation के लिए कुछ अच्छा करें. इसी रीजन को कंटिन्यू करते हुए आज हमने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है जो कि कम्प्लीटली अपने इमोशनल हेल्थ की इम्पोर्टेंस पे फोकस करता है. हम अपनी डेली लाइफ में अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी मेंटल हेल्थ को एक साइड में रख देते हैं बीइंग अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करते करते. तो हमने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें अपने मेंटल हेल्थ में ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि अभी सब जन जानते हैं कि ये जो टाइम चल रहा है ये वर्ल्ड वाइड सबके लिए बहुत ट्रबलिंग है, टफ है. पीपल इतनी सारी चीजों को फेस कर रहे हैं, लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस, रिलेशनशिप इश्यूज, इनसिक्योरिटीज ऑफ लाइफ, जॉब एंड लॉसेस ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा. So overthinking can fall into depressions also. So ये सारी situations को हम change करते हैं, affect करते हैं और ये अपनी mental health को imbalance करता है, हमारे emotional state को imbalance करता है और हमारे अंदर कुछ type के mood swings और down feelings को offer करता है. तो हम इन चीजों में इतने बैडली हैं कि हम ये फॉरगॉट कर चुके हैं कि अपने आप को हैप्पी रखना भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये सब चीज को इग्नोर करते हुए आज वी आर टेकिंग एन इनिशिएटिव टू मेक पीपल अवेयर अबाउट व्हाट इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशन एंड हाउ टू बैलेंस देम इन अ लार्जर देन लाइफ. सो गाइस, I warmly welcome our key speaker of the event, Mr. Tripti Gandhi Ma'am, to convey sincere gratitude on behalf of Swarnim family for sparkling her valuable time and knowledge with all of us. So I appeal to the audience, make this session more interacting by raising your hands and a query related to the subject of the event, and I'm sure you will get appropriate solution by our expert Mr. Tripti Gandhi Ma'am. Please kindly I hand over this stage to Tripti Gandhi Ma'am. Ma'am, you are heartily welcome here at Swarnim Startup and Innovation University. Thank you. थैंक यू निकिता मैम. मेरा नाम अर्पिता व्यास है, मैनेजर वुमन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल. हमारे माननीय एमडी ग्लोबल एंड वुमन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेल मिसेस निकिता जैन के नेतृत्व में हमने एक्सपर्ट टॉक सीरीज का आयोजन किया है, जिसमें हम तीन सब्जेक्ट पे आज हम मेंटल हेल्थ, जेंडर इक्वलिटी और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड बिजनेस स्किल्स पे हम एक्सपर्ट्स के साथ रहकर आपके लिए एक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं. अगर देखा जाए तो
हम अपने आप को समझने के लिए और जीवन में हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए इमोशंस थॉट्स की बहुत महत्व है। जैसे हम फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, ऐसे हम मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे साथ उपस्थित है त्राप्ति गांधी जी एज ए गेस्ट स्पीकर, एमिनेंट स्पीकर। त्राप्ति गांधी जी हमेशा मानव व्यवहार के विज्ञान के प्रति उनकी रुचि रही है। इसी आकर्षण को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एकाग्र फोकस ऑन पॉजिटिव की स्थापना की, जो सकारात्मकता का जो महत्व है और सकारात्मकता की ताकत और नेगेटिविटी को कैसे दूर रखे और मानव जीवन में जो जो हमारे हमारी जो सोच है, हमारे जो इमोशंस है, थॉट्स है, उसको कैसे हम उसका अवेयरनेस कैसे बढ़ाए और वो हम पे हावी ना होके हम उसको कंट्रोल में रख के कैसे हमारे जीवन में उसमें सफलता प्राप्त करें, उसी पे उन्होंने काफी काम किया हुआ है। त्राप्ति जी के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो जो जीवन के जो मूल्य है, अगर उनमें हमें कोई डिफिकल्टीज है तो वो गाइड करने का काम करते हैं, सकारात्मकता के बारे में हमें समझाते हैं। उनका वास्ट एक्सपीरियंस रह चुका है और वो काफी यूनिवर्सिटीज के साथ जुड़े हुए हैं। आज हमारे साथ वो उपस्थित है। स्वर्णिम फैमिली के ओर से मैं त्राप्ति जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और त्राप्ति जी को इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए नम्र विनंती करती हूँ। थैंक यू। Yeah, Trapti ma'am, now stage is yours. Thank you so much. Can you hear me well? आप लोग मुझे सुन सकते हैं सब आसानी से? Yes. Okay, wow. So much energy. Yes, ma'am, you are audible. Kruti ma'am, आपने start जो किया है and इतने सारे लोग जो जमा हुए हैं, I can feel the energy. 4:30, my God, it's wonderful. So much energy I can feel. थोड़ी सी कमी लग रही है. May I? क्या मैं बता सकती हूँ? इमोशन नहीं दिख रहे हैं तो कैन आई सी एवरीबडी? आई कैन सी इमोशंस ऑन फेस, वर्ड्स में इमोशन पता नहीं चलते हैं, तो कैन यू प्लीज कम ऑन। सो मैडम, एज देयर आर सो मेनी नंबर्स, यू नो, 427, सो वी हैव, या वी हैव नॉट अलाउड देम टू फॉर। आई अंडरस्टैंड few, if you can just show me your faces. I speak well when I see the faces. Wonderful. Some expressions so that I know, yes, people are listening to me and they are in sync with me. Agar mere saath hain ya nahi hain ya bore ho raha hai, so I get that feedback from their expression. And since hum emotion ki bare mein baat kar rahe hain to emotion to thode bahut dikhna चाहिए ही, राइट? थैंक यू सो मच। वाओ, जनरली ये टॉपिक यंगस्टर्स साथ साथ जाता नहीं है, अभी तो सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स होता है, सब एनर्जी होता है, एंड स्टिल यू आर इंटरेस्टेड एंड दैट टू इतना ज्यादा नंबर में। आई एम सो वेरी हैप्पी। सो इफ यू हैव सम क्वेश्चंस फॉर मी यू शूट, अदरवाइज मैं आप के सामने जो भी मुझे बताना है, आई कैन स्टार्ट। डू यू वॉन्ट टू आस्क सम क्वेश्चंस इनिशियली और शुड आई स्टार्ट फ्रॉम माई एंड? So, madam, yes, we have collected few questions, but still would like to request you if you can give a 5 minutes orientation and then we can start talking on questions. That would be great. Right. So it's about emotion. When we say it's about emotion and it's wellness, emotion wellness hai kya? Wellness ka matlab kya hai? Ye samajhna bahut zaruri hai. कई बार जब हम सोचते हैं कि या लोग आते हैं तो बहुत डर डर के आते हैं और कहते हैं कि हम पागल थोड़े ही हैं, हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम थोड़े ही है, या हमारे साथ कुछ चीज नहीं है, तो हमें आपसे सलाह लेने की या आपसे बात करने की जरूरत नहीं है। सो आइडिया इज वेलनेस इज मोर देन हैविंग अ प्रॉब्लम फ्री लाइफ। इट इज अबाउट फ्लरिशिंग, it is about thriving, it is about building something.
सो इमोशनल वेलनेस इज अ मतलब एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे लाइफ का, जैसे हम फाइनेंसेस का टेक केयर करते हैं, जैसे हम एनवायरनमेंट का टेक केयर करते हैं, जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, वैसे ही इमोशनल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि अगर ये चीजों में से एक भी चीज मिसिंग है इस मल्टी डायमेंशनल परस्यूट में, अगर एक भी चीज मिसिंग है तो हमारे वेलनेस में कमी आ सकती है। एंड हेंस जितना जिमिंग की तरफ है, बैंक बैलेंस बढ़ाने की तरफ है, या ग्लोबल वार्मिंग का हम सब्जेक्ट चूज करते हैं, या फिर हम एजुकेशन आईक्यू की बात करते हैं, उतना ही जरूरी हमारे लिए इमोशनल वेलनेस भी है। तो इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे, व्हाट इज एक्चुअली इमोशन इज, और ये फीलिंग क्या है, इज क्या ये डिफरेंट है, फीलिंग और इमोशन डिफरेंट है, इमोशन हमारी लाइफ में जरूरी है या नहीं है, या हमें उन्हें दबाना चाहिए, या हमें उन्हें एक्सप्रेस करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कैसे और किस तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए, ये सब चीजों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सो यू वांट मी टू गो अहेड, जैसे स्वर्णिम का एक मोटो है कि आपको आत्मनिर्भर बनाए, स्वर्णिम स्टार्टअप एंड इनोवेशन यूनिवर्सिटी, इसका आई थिंक कि जो मकसद है वो ये है कि अपने ही बलबूते पर आप लाइफ में आगे बढ़े, अपने ही क्रिएटिव परस्यूट से आप उसको गति दें या स्पीड दें अपनी लाइफ को। सेम वे आज का जो सेशन है वो आपको आत्मनिर्भर बनाने में, अपने इमोशंस को खुद ही हैंडल करने में मदद करेगा। आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें, कैसे रेगुलेट करें, कैसे उनके पीछे का मतलब समझें, ये हम आज बात करने वाले हैं। टू स्टार्ट विथ, पहले थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चंस उस बेसिस पे आएंगे जितना मुझे लाइक आइडिया है और आप कुछ जो पूछेंगे, तो एक क्लैरिटी हम पहले ले लें, ये इमोशन है क्या और ये फीलिंग और इमोशन में थोड़ा सा जो मार्जिनल डिफरेंस है वो है क्या चीज। इमोशन हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड है, यानी जो 8 बेसिक इमोशन जो बताए गए हैं ड्यूअलिटी में, एंगर है तो फियर भी है, जॉय है तो सैडनेस भी है, एंटिसिपेशन है तो सरप्राइज भी है, डिसगस्ट है तो ट्रस्ट भी है। ये जो इमोशंस हमारे प्राइमरी इमोशन है, इसी को मिक्सचर करते हुए दूसरे इमोशंस निकलते हैं। हम उनको कितना समझ पाते हैं, उस स्टेट को कितना समझ पाते हैं, क्योंकि हर इमोशन के पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है, कुछ ना कुछ मैसेज होता है। हर इमोशन हमारे लाइफ में क्यों जरूरी है, एज ए ह्यूमन बीइंग जो हम इंसानी प्रवृत्ति में टिकना नहीं चाहते, हम कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने लिए, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए, और इमोशन हमें ये मैसेज देता है कि कहाँ हम अटक रहे हैं, कहाँ हमें ओपन ग्राउंड मिल रहा है ताकि हम परस्यू कर सकें, आगे बहुत स्पीड में भाग सकें, कहाँ स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, हमें कैसे ध्यान रखना है। ये मैसेज अगर हम सही ढंग से समझ जाएं तो हम स्पीड में आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी इमोशन, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमारी लाइफ में उतने ही जरूरी है जितना खाना पीना जरूरी है। तो हमें नेगेटिव को साइड में हटाना है, पॉजिटिव ही रहना है, ये जो धारणा जो चल रही है ये हमें रोक सकती है। हर इमोशन का पर्पस पॉजिटिव है, हम सर्वाइव करते हैं। फियर अगर नहीं होता तो हम वैक्सीन डेवलप नहीं करते कोविड के समय में, हम हाथ धोना है, हमें मास्क पहनना है, ये सब कुछ हम क्रिएट नहीं करते, क्योंकि फियर है तो हमें बताता है फियर कि हमें प्रिकॉशन लेना है, हमें अपने आप को सेफ गार्ड करना है। अगर फियर में हम दब के रह जाएं, उस शैडो में बंद कर रह जाएं, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो क्या सही है और क्या गलत है, इसका डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। सो टू स्टार्ट विथ, इमोशन, हर इमोशन हमारी लाइफ के लिए, हमारे लिए जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, और इमोशन है तो हम जिंदा हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस मुझे जो आए थे उस हिसाब से आई विल कीप ऑन
टेकिंग दोज क्वेश्चंस एंड मैं उसके बेसिस पे एक बार आगे बढ़ती हूँ सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर. किसी ने मुझे पूछा कि वुमेन का जो मेंटल हेल्थ है उस वजह से वुमेन को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. मेंटल हेल्थ मेन हो या वुमेन हो सभी को हमको चैलेंजेस बहुत ज्यादा फेस करने पड़ते हैं बट वुमेन होने के नाते ये डबल हो जाता है. वो कैसे, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, चाहे अगर आदमी है तो बोला जाता है आप कमजोर नहीं दिख सकते तो यू आर नॉट अलाउड टू क्राई, आप रो नहीं सकते. आप रोगे तो आप कमजोर दिखोगे, आप डरोगे तो आप कमजोर दिखोगे, आप डराओगे तो आप स्ट्रांग दिखोगे. ये जो जो टीचिंग है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर जाती है. वैसे ही वुमेन के लिए कि आपको सहना है, आप अपनी आइडेंटिटी किसी के बोलने पर आप अपनी आइडेंटिटी महसूस कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें इतना डिपेंडेंट बना देती है. तो कमिंग बैक टू क्वेश्चन कि वुमेन का मेंटल हेल्थ, पहली बात ये मेंटल हेल्थ इश्यू है, इसका एजुकेशन भी या इसका अवेयरनेस भी, इसका नॉलेज भी बहुत सारे लोगों को है ही नहीं कि क्या ये मेंटल हेल्थ की कैटेगरी में आता है. कई बार ये तो नॉर्मल है, हम जब कभी कुछ कहते हैं कि ऐसा हो रहा है तो हमारे आसपास वाले कह देंगे कि ये तो नॉर्मल है, हम सबको होता है, इसे भूल जाओ, छोड़ दो. जब हमें पता भी होता है कि ये मेंटल हेल्थ की कैटेगरी में आता है तो हम उसको लास्ट प्रायोरिटी देते हैं. लास्ट प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटी दूसरी बहुत सारी बन जाती है, फैमिली है या जॉब है, अपना सेल्फ एस्टीम है, बच्चे हैं, जो भी है, 50 वैरायटी हमारी प्रायोरिटी बन जाती है. एक्सेप्ट हमारी जो आदत है वंडर वुमेन प्रोजेक्ट करने की अपने आप को, वो हमें रोकती है कि हम अपने आप को प्रायोरिटी दें. अगर प्रायोरिटी दे भी दें तो सोशल स्टिग्मा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं चले जाऊं तो मुझे किस नाम से बुलाया जाएगा, क्योंकि एज अ वुमेन बहुत सारे लोग अपना सेल्फ एस्टीम आउटसाइड आउटसोर्स करते हैं, यानी कोई मुझे कहेगा मैं सुंदर हूं तो मैं अपने आप को सुंदर मानूंगी, कोई मुझे कहेगा मैं ताकतवर हूं तो मैं ताकतवर मानूंगी. ये सारी परेशानियां जो हैं हमें रोकती है, ये चैलेंजेस हैं हमारे लिए. और मेन के कंपैरेटिव वुमेन डबल मात्रा में मेंटल हेल्थ से पीड़ित रहती हैं, लेकिन जो मेडिकल अटेंशन उन्हें मिलना चाहिए वो कम मिलता है, बिकॉज अपने खुद के कारणों से या सोसाइटी के कारणों से. ऐसे में पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन या फिर आपका एनी अगर अब्यूज है या डोमेस्टिक वायलेंस है या ऑल दिस, ये उसको और ज्यादा चैलेंजिंग बना देते हैं. ऑलरेडी आपका मेंटल स्थिति दूसरों पे डिपेंडेंट होने की है, ऐसे में आपको जब बाहर से और ज्यादा इवेंट्स ऐसे जो मिलते हैं जिसमें आप परेशान होते हैं वो और ज्यादा उसको डिफिकल्ट बना देते हैं. तो ये चैलेंजेस डेफिनेटली वुमेन को फेस करना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आई गॉट वाज कि गुड मेंटल हेल्थ का साइन क्या है. यस, ये बहुत जरूरी है जानना कि गुड मेंटल हेल्थ का साइन क्या है. जब हमारा सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड है, सारे आठों डायमेंशन यानी इमोशनल हेल्थ, आपका फाइनेंशियल हेल्थ, आपका एनवायरमेंटल हेल्थ, आपका स्पिरिचुअल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, आपका इंटेलेक्चुअल, ये सारा जब सिंक्रोनाइज्ड है, सिंक्रोनाइज्ड अगर होगा तो कोई भी परेशानी आएगी उस परेशानी में आप को क्या करना है ये आपके पास हो. ऐसा आपकी लाइफ में कभी नहीं होगा कि परेशान कैसे देखते हैं, उसका नजरिया जरूर बदलेगा. आप परेशानी को कैसे मानते हैं. मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम, आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है, सॉरी टू इंटरप्ट. ओके, कैन यू हियर मी नाउ? Yes, but थोड़ा ब्रेक हो के आ रहा है मैम. So I'll go slow. I'll go little slow. Can you hear me better? Yes. Okay. So
परेशानियां लाइफ में आने वाली है, इवेंट्स घटनाएं आने होने वाले हमारे लाइफ में, चेंज हम सबको पता है कि वही एक चीज है जो कांस्टेंट है, और हर चेंज के साथ एक एंटिसिपेशन, एक फियर रहता है कि क्या आगे होगा। लेकिन अगर हम इमोशनली वेल हैं तो उसको हैंडल करने का, उसके थ्रू नेविगेट करने का तरीका हमारे पास आसान होगा, हम पर्टर्ब नहीं होंगे, हम परेशान नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। प्लस सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ सरवाइव करना इंसानी मोड नहीं है, हमें फ्लरिश करना है, थ्राइव करना है। सो मेंटल बैलेंस, जो इमोशनल बैलेंस है या मेंटल अगर हेल्थ जिसके पास है, दैट मींस ने आपको बचाने का नहीं सोचेगा, बल्कि उसमें से बढ़कर आगे कैसे अपने लिए कुछ क्रिएट कर पाए उसके बारे में सोचेगा। सो दिस इज साइन ऑफ गुड हेल्थ। अनदर क्वेश्चन व्हाट वाज आस्क्ड वाज, सोसाइटी वुमेन को जैसी वो हैं वैसे ही क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकती, उन्हें मोल्ड क्यों करना चाहती है अपने ढंग से। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल द वुमेन आउट देयर, जो ये क्वेश्चन जिनका है या जो ऐसे सिमिलर क्वेश्चन सोचते हैं, क्या आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पाते हैं? अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सोसाइटी भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी, हमें अपने हिसाब से मोल्ड करना चाहेगी। हम जब तक अपना सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस आउटसोर्स करते रहेंगे, लोगों पर निर्भर करते रहेंगे, वो हमारे पे चार्ज लेते रहेंगे। जिस दिन हमने अपने पे चार्ज किया तो यस वी हैव इंदिरा नूई, यस वी हैव मेनी अदर बिग पर्सनालिटीज जो कुछ हटके अपने बलबूते पर कुछ करती हैं। एंड राइट नाउ ऑन दिस प्लेटफॉर्म आल्सो वी कैन सी सो मेनी पावरफुल वुमेन। तो जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करना चालू करेंगे तो सोसाइटी के हिसाब से हम मोल्ड नहीं होंगे, लेकिन सोसाइटी के साथ हम चलेंगे। ना हमें अपने हिसाब से सोसाइटी को मोल्ड करना है, ना सोसाइटी के हिसाब से हमें मोल्ड होना है, बस साथ चलना है। ये क्लैरिटी हमें अपना कॉन्फिडेंस जरूर देता है। सो सेल्फ एक्सेप्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर क्वेश्चन व्हाट आई गॉट वाज हाउ टू डी स्ट्रेस। सो पहले स्ट्रेस क्या है उसे देख लें, छोटा सा बात। रोजमर्रा की लाइफ में एक्टिविटीज, कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं जो हमें थोड़ा स्ट्रेस देते हैं, वो जरूरी है। क्योंकि जब हम स्ट्रेस थोड़ा सा महसूस करते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, यानी वो जब रिलीज होंगे तो हमारा बॉडी रेडी होगा, अलर्ट होगा, ताकि हम उससे फाइट कर सके या उसको डील कर सके। लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग्ड होगा, ये स्ट्रेस हमारी लाइफ में ज्यादा देर तक चले, तो एंजाइटी का रूप लेगा या फिर मेंटल डिस्ट्रेस का रूप लेगा, डिप्रेशन का रूप लेगा आगे जाके। अब रही वर्क की, जैसे पूछा गया कि डी स्ट्रेस कैसे हो घर जाकर रोज का जो परेशानी होती है उससे, आपको तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड करना है। जैसे अगर कुछ ना कुछ छुटपुट घटना हुई, उससे आपको स्ट्रेस आया, वो रेगुलर नहीं है आपकी लाइफ में, लेकिन कभी ना कभार हुई और आप घर आए, तो उसके लिए तरीका अलग है, आई टेल यू नाउ। सेकेंड है, ये विजिटर है, जो फर्स्ट वाला केस हमने बताया वो विजिटर है, कभी कभार आता है फिर चला जाता है, इट इज नॉट एन रेगुलर अफेयर नहीं है ये। सेकेंड वाला है कि वो रेगुलर वही चीज हो रही है, मैं सुबह देर से उठी, ऑफिस जाने में लेट हो गया, ट्रैफिक मिल गया, जब ट्रैफिक मिल गया तो मैं लेट हो गई पहुंचने में, उतनी देर में किसी कलीग ने आके बॉस को मस्का पॉलिश करी, कान वान भरे और मेरा जो काम था उसको दे दिया गया, तो स्ट्रेस तो होना ही है। घर आके फिर वापस स्ट्रेस क्या हुआ, क्योंकि मैं स्ट्रेस से भरी हुई थी, मैंने आके घर वालों पे स्ट्रेस करा तो डिस्ट्रेस का समय ही नहीं मिला। ये है रेजिडेंट स्ट्रेस। यहाँ पे आपको सिर्फ पर्सनैलिटी या प्लानिंग या फिर टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है,
कि थोड़ा सा जल्दी उठ जाएं तो घर में स्ट्रेस लेकर ही नहीं आएंगे, ना कोई आपका कलीग आपका उठा पाएगा फायदा, ना ट्रैफिक जाम मिलेगा, सिर्फ प्लानिंग की जरूरत है, टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। थर्ड है फैमिली मेंबर, वो स्ट्रेस है फैमिली मेंबर जो दिन रात आपके साथ रहता है, यानी मेरे एक्सपेक्टेशंस राइट नहीं है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस का इशू है, मेरा सेल्फ कंट्रोल का इशू है, मेरा इनिशिएटिव लेने का प्रॉब्लम है, मेरा रेजिलियंस का प्रॉब्लम है, ये सारे फैमिली मेंबर मेरे दिमाग में मेरे साथ रहते हैं हरदम, ऐसे में स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, यानी इन सभी पे हमें काम करना है। सो व्हेन वी डू दिस हैंड होल्डिंग सेशन जब हमारे होते हैं तो हम वही चीज कैसे स्किल डेवलपमेंट करें ताकि ये जो आपका फैमिली मेंबर है ना इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, थोड़ा सा स्मार्ट बना दे, पेन बना के ड्रेसिंग अच्छी कर दें, थोड़ा बात बात सिखा दें ताकि हम हारमोनियसली रह सके। कमिंग बैक टू फर्स्ट वाला जो रेसिडेंट है, जस्ट विजिटर है, जब विजिटर स्ट्रेस होता है कि उस दिन हुआ, घर आके हमें उसको डी स्ट्रेस करना जरूरी है, वो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप इस चीज को ध्यान दीजिए, जो विजिटर होता है वो जैसे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का रेशियो जो बोला गया है कि अगर हमारी लाइफ में एक घटना नेगेटिव घटती है तो उसको भुलाने के लिए हमें 3 पॉजिटिव घटनाएं करनी पड़ती, भुलाने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए। अगर हम वहां से निकलकर कुछ करना चाहते हैं, फ्लरिश करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 5 हमको पॉजिटिव इवेंट्स की जरूरत है, या पॉजिटिव एक्टिविटी या पॉजिटिव थॉट्स की जरूरत होती है। अगर आपने आज का स्ट्रेस आज ही नहीं कन्वर्ट किया पॉजिटिव उसमें, तो वो इकट्ठा होता जाएगा और इवेंचुअली लाइफ में वो सिर्फ बर्डन बन के रह जाएगा और आपके पांव में जंजीर जैसा महसूस होएगा, आपको भागने नहीं देगा। हजारों आपके क्रिएटिव आइडियाज होंगे आपके दिमाग में, हजारों आपके पास ऑप्शंस होंगे, बहुत पैसा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो स्ट्रेस आपको पकड़े रखेगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। इसको कैसे करें? सो एज सून एज आपको लगता है कि उस दिन स्ट्रेसफुल गया है या पर्टिकुलर डे स्ट्रेसफुल गया है, दैट मींस आपकी बॉडी में कार्टिजोल रिलीज हुए हैं, उस कारण से वो कार्टिजोल आपको परेशान, ज्यादा देर तक रहे तो परेशान कर सकते हैं। उसका लेवल डाउन करने के लिए आपको हैप्पी हार्मोन्स की जरूरत पड़ेगी और वो सीक्रेट होते हैं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो होते हैं, आप अच्छा म्यूजिक सुनते हैं तो होते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक करते हैं, डेट पे जाते हैं तो होते हैं, अच्छा फूड खाते हैं तो होते हैं, अ गुड पॉजिटिव शिफ्ट यानी अच्छी मेमोरीज आप याद करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ये सारा कुछ करने से आपके बॉडी में जो हैप्पी हार्मोन्स है, गुड हार्मोन्स है, वो सीक्रेट होंगे, और जब वो सीक्रेट होंगे तो कार्टिजोल को अंदर जाना ही है, उसको खत्म होना ही है। बॉडी आपका माइंड आपके बॉडी को सिग्नल देता है, नाउ आई एम इन चार्ज, मैं चार्ज ले रहा हूँ, आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज हाउ यू डी स्ट्रेस, अगर आपका वो विजिटर स्ट्रेस है तो। अगर रेसिडेंट है तो आपको आपका प्लानिंग और उसकी जरूरत है, अगर फैमिली मेंबर है तो स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फेलियर्स अगर होता है लाइफ में तो उससे रिकवर कैसे करें? फेलियर की वजह से हम डीमोटिवेट होते हैं, बिल्कुल होते हैं डीमोटिवेट, उससे रिकवर कैसे करें? पहले हमें ये देखना है कि हम फेलियर को लेते कैसे हैं, फेलियर हमारे लिए क्या चीज है, फेलियर हमारे लिए एक्सपीरियंस है या फेलियर हमारे लिए बंधन है। अगर हम फेलियर को एज ए एक्सपीरियंस लेते हैं तो हमें सिर्फ कुछ चीजें करनी है। जब भी हम कुछ करने जाते हैं, जो भी काम हम कुछ करने जाते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसमें क्या सही जा सकता है, क्या गलत जा सकता है, सेफ्टी मेजर्स हमें लेना जरूरी है, क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए, ये सब लेना जरूरी है। उसके बाद भी कई बार होता है चीजें सही नहीं जाती और डीमोटिवेट होने की बजाय हमें करना क्या है, इसमें रेजिलियंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वर्ड सबने सुना होता है लेकिन करा कैसे जाए? सब लोग कहते हैं कि हाँ भाई बाउंस बैक, चलो वापस, सब लोग करते हैं, उठो खड़े हो, लेकिन दिमाग तो अपनी खिचड़ी कर ही रहा है, वो तो हमें रोक ही रहा है।
तो ऐसे में आपको सिर्फ एक चीज करनी है, अनलोड द नेगेटिव थिंग, दैट इज अनलोड मतलब जो रियल कारण है फेलियर का, जो रियल फेलियर है उसे अनलोड करना है, और वहां से जो पॉजिटिव हुआ है उसको एक्सपीरियंस को लोड करना है, जो सोर्स है फेलियर का उसको अनलोड करना है और नया स्ट्रेटेजी को लोड करना है। यानी जब आप जिस वजह से फेलियर हुआ उसे छोड़ देंगे, और जो चीज सही हुई, सब कुछ गलत नहीं होता, कुछ चीज सही भी होती है उस चीज में। समझिए आज का सेमिनार हमने बहुत उमंगों से, बहुत उससे, बहुत चाव से हमने ये सेमिनार रखा, लेकिन कहीं ना कहीं ये ग्लिचेस जो आ रहे हैं, टेक्निकल ग्लिचेस, जहां मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही या किसी और की आवाज सुनाई नहीं दे रही, मैं सोच के बैठी थी सबके चेहरे मुझे देखेंगे, लेकिन आपका रूल था कि चेहरे नहीं देखेंगे। सो ये छोटे छोटे ग्लिचेस, अब मैं बोलू नहीं मजा नहीं आया ये सेमिनार में, मजा नहीं आया क्योंकि मैं पहुंच नहीं सकी, बट ऐसा तो नहीं है। आपके जितने क्वेश्चन थे मैं उनको आंसर कर पा रही हूँ, वो अच्छा गया। आप अगर सेटिस्फाइड होते हैं, मुझे अच्छे कमेंट्स देते हैं विच आई एम एक्सपेक्टिंग, वो अच्छा गया। या फिर मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में क्लैरिटी से आप तक पहुंच पा रही हूँ, वो अच्छा गया। तो जो अच्छा नहीं गया उसे अनलोड कर दें, जो अच्छा गया उसको एज एन एक्सपीरियंस, उसको आप कॉन्फिडेंस के रूप में आगे ले चले। अब नेक्स्ट जो अच्छा नहीं गया उसी का एक्सपीरियंस भी हमें साथ में आगे लेके जाना है कि क्या क्या गड़बड़े हो सकती है, ऐसे में मुझे क्या क्या चीज करनी है, तो ये एक्सपीरियंस नेक्स्ट टाइम मैं आगे लेके जाती हूँ। तो कॉन्फिडेंस मैंने आगे लेके गया, मैं एक्सपीरियंस अपना आगे लेके जाती हूँ, मैं अपना परसिवरेंस कि जब मैं आधा रास्ता तय कर चुकी हूँ तो आधा ही तो और तय करना है, इसमें कहाँ फेलियर हुआ, आधा यानी मैं तो पास हो चुकी हूँ, तो मैं अपना परसिवरेंस आगे लेके चलती हूँ। सो ऑल दिस वी हैव टू टेक, ये रेजिलियंस बहुत आसान है, सिर्फ हमें अपना पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने की जरूरत है। अगर मेरा पर्सपेक्टिव वो 1% आधी खाली जो ग्लास है, एक बहुत अच्छा किसी ने मुझे बोला था कि आधी खाली ग्लास है तो कैसे ध्यान जाए पूरी भरी हुई, मतलब आधी भरी हुई पे, खाली है उसी पे तो ध्यान जा रहा है। तो किसी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, कुछ नहीं करो, वो ग्लास का जो पानी है छोटी ग्लास में भर दो, पूरी भर जाएगी ग्लास। बड़ा अच्छा लगा। इट इज योर पर्सपेक्टिव, आप कैसा उस चीज को देखना चाहते हैं, तो यू विल बाउंस बैक फ्रॉम योर इश्यूज एंड इट विल मोटिवेट, उल्टा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ जब मैं आधा कर सकती हूँ तो वाई नॉट पूरा, क्या मैं न्यू स्ट्रेटेजी के साथ जो गड़बड़े हुई थी उसको नहीं कर सकती हूँ। दिस इज वॉट आई हैव टू डू, इट इज वेरी इजी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, खाली यहाँ पे इम्पॉसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज ओके, वॉट कॉजेज लैक ऑफ इमोशनल कंट्रोल। वंडरफुल क्वेश्चन कि इमोशनल कंट्रोल हमारा जाता क्यों है। ओके, हमारा इमोशनल कंट्रोल जाने का कारण क्या है। जब हम बोल रहे हैं कि इमोशन हमारे लिए अच्छा है, अच्छी चीजों को कौन छोड़ता है, अच्छी चीजों को तो छोड़ना नहीं चाहिए, तो अच्छी चीजों को तो हम ऑलवेज सहेज के रखते हैं। पैसा है, कौन मना करता है कि भाई पैसा नहीं लेना है हमें, सबको रखना होता है पैसा। तो होता क्या चीज है जिससे हमारा कंट्रोल जाता है, लेट अस अंडरस्टैंड इसको थोड़ा डीप में। जो प्राइमरी इमोशन की बात हमने करी थी, जो 8 प्राइमरी इमोशन है जो ड्यूअलिटी में है, वो हमारे मेन इमोशन आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के साथ में आपको मैं बताना चाहूंगी ताकि आपको ज्यादा ढंग से समझ में आए। सुबह अगर मैंने अपने बेटी को कहा कि आप ये पर्टिकुलर चीज आपको करनी है और उसने उस चीज को ध्यान नहीं दिया, मुझे गुस्सा आया, विच इज वेरी नेचुरल, यह हमारे इमोशन है, तो मैं सोचूंगी ये गुस्सा है, मेरा जो इमोशन है वो गुस्सा है, और वो ध्यान नहीं दिया, उस गुस्से के कारण मैंने कुछ गलत बोल दिया, उसने वापस से मुझे कुछ बोला, या फिर वो काम और नहीं किया, या फिर मैंने कुछ पटका पुटकी करी, मैं गुस्से में चले गई, आगे जाके किसी और को करा, उसको मैं बढ़ाते गई। दिस इज हाउ आई लूज कंट्रोल, क्योंकि मैंने अपने प्राइमरी इमोशन पे ध्यान नहीं दिया। गुस्सा प्राइमरी इमोशन लिस्ट में जरूर है, जरूर है। Getting angry, aggressive होना list में नहीं है। Anger is justified, aggressiveness is not justified. यानी गुस्से में जो आप action करते हो, जो गलत होते हैं, वो justify, वो primary emotion नहीं बोले जाते। यानी मेरा primary emotion था कि मैं hurt हुई,
मुझे रेस्पेक्ट नहीं दिया गया, दैट वॉज माई प्राइमरी इमोशन. रीजन कि मुझे रेस्पेक्ट नहीं दिया गया, हर्ट वॉज माई प्राइमरी इमोशन. जब मैं अपने इमोशन को समझ जाऊं जो सही में है, प्राइमरी इमोशन है, मैं सिर्फ उसी को बोलूंगी कि मुझे ऐसा लगता है आप मुझे मेरी बात ना मान के आप मुझे डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, तो इमोशनल कंट्रोल छूटने का सवाल ही नहीं उठता. जब हम अपने इमोशन के पीछे का मैसेज नहीं मान समझ पाते तब ही हमारा इमोशन कंट्रोल छूटता है. अगर मैसेज को समझ लें तो हम सिर्फ एक्सप्रेशन करते हैं तो हाईजैकिंग होता ही नहीं है. हम अपने बुद्धि को अगर टेक ओवर करने दे, हमारा फर्स्ट मैसेज पहुंचता है अमिग्डाला पे जो इमोशन से रिलेटेड है, और वो सिंक्रोनाइजेशन में हिप्पोकैम्पस हमारा जो एक और ब्रेन पार्ट है जहां मेमोरी स्टोर होती है वो उससे अटैच होता है कि हाँ पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, तब भी उसने ऐसे ही किया था, तब भी. जब ये करने लग जाते हैं तो कंट्रोल छूट जाता है. लेकिन इमीडिएटली जैसे ही हमें मैसेज मिला आई एम फीलिंग सैड, मुझे अपना कंट्रोल अपने थिंकिंग ब्रेन को दे देना है, पॉज गैप लेके, एंड अंडरस्टैंड कि वो सैडनेस किस वजह से आ रही है. कंट्रोल नहीं छूटेगा. सो आई होप दिस गिव्स आंसर टू योर क्वेश्चन. आई एम नॉट एबल टू लुक एट द चैट बॉक्स राइट नाउ. आई विल डू दैट सून बिकॉज आई एम इनटू एक्सप्लेनिंग, सो टुगेदर आई एम नॉट एबल टू डू दैट. व्हाट रोल डू इमोशन प्ले इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ? तो अभी तक जितना हमने बताया उसमें आप बहुत हद तक ये चीज समझ ही सके होंगे कि हर इमोशन हमारा हमारी लाइफ के लिए जरूरी है. तो प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, इमोशन इमोशन ही रहता है, वो चेंज नहीं होता. इमोशन की फीलिंग फीलिंग ही रहती है, वो चेंज नहीं होती. लेकिन हम उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो चेंज जरूर होता है. अगर वो एक्सप्रेशन सही है तो चाहे पर्सनल लाइफ में हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो वो सही है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे कलीग ने मुझे कुछ गलत कह दिया या मेरे बॉस ने मुझे ओवर स्ट्रेस कर दिया किसी वजह से, मेरा इमोशन एंगर है और मैं एंगर को कैसे एक्सप्रेस कर रही हूं बिना उसका मैसेज समझे, उस पर सारा खेल है. अगर मैं एंगर को एग्रेशन में एक्सप्रेस कर रही हूं तो चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो गलत ही होगा. लेकिन एंगर का जो मैसेज है दैट इज डिस्ट्रक्शन, मतलब किसी इंसान का डिस्ट्रक्शन नहीं या शांति का डिस्ट्रक्शन नहीं, जो आपकी नीड के आजू बाजू बाउंड्री जो बनाई गई है उसको तोड़ना. यानी आपकी नीड क्या है कि आपको ओवर प्रेशराइज ना किया जाए, आपको रेस्पेक्ट दिया जाए, आपके साथ पॉलिटिक्स ना किया जाए. तो हमें डिस्ट्रक्ट किसी आदमी को, किसी इंसान को, किसी माहौल को, उसको नहीं करना है. हमारी नीड के आसपास जो बड़ी बाउंड्री बनाई गई है तो हमें एक्सप्रेस करेंगे अगर नीड को कि दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट, एंड अगर मैं ये चीज एक्सपेक्ट कर रही हूं तो मैं आपको डिलीवर भी रिजल्ट अच्छा कर पाऊंगी अगर मेरी नीड को एड्रेस किया जाए. So you don't have to shout actually. You don't have to not talk or behave in a wrong way, but express without justification, बिना justify करे, बिना किसी को blame करे, बिना किसी को shame करे, हम अगर कुछ कर सकते हैं that is justifiable. तो कोई professional और कोई personal life में हमें अलग अलग behave करने की जरूरत ही नहीं है अगर हम अपने emotion का message सही समझ लें तो. Next question. कहीं पे भी आपको इमोशन होल्ड नहीं करना चाहिए. आप इमोशन होल्ड कर रहे हो तो आप अपनी प्रोग्रेस को रोक रहे हो. इमोशन होल्ड करना मतलब आप उसे कर रहे हैं कि नहीं सोचो मत, बिल्कुल आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आपको फियरफुल होने की जरूरत नहीं है. हाँ, आप उसका एक्सप्रेशन होल्ड कर सकते हो अगर रॉन्ग है तो. अगर दुख में आपको रोना आ रहा है तो रोने से अगर आपकी कमजोरी दिख रही है आप उसको होल्ड कर सकते हो, टेकिंग अ पॉज गैप. आप एक दो मिनट के लिए सोचिए कि दुख किस वजह से हो रहा है. एक पॉजिटिव शिफ्ट आपको देना है कि अगर इस दुख का मैं अगर ये सोल्यूशन निकाल लूं तो मेरे पास सोल्यूशन होगा. मुझे कहां पे, चाहे आप अपनों के सामने करिए चाहे प्रोफेशनल लाइफ में करिए, आप अपनी मम्मी को या अपने फादर को या अपने भाई को या बहन को हर बार रोते रोते कुछ ना कुछ स्टोरी सुनाइए,
थोड़े दिन बाद वो सुनना बंद कर देगा। ये तो रोज का कारण है, ये तो रोज की चीज है। तो जो पर्सनल लाइफ में होता है वही प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है। तो होल्ड करना इज नॉट राइट, आप होल्ड मत कीजिए, उसे समझिए, उसे पहचानिए कहां आपको काम करने की जरूरत है। लेकिन आपका जो रॉन्ग एक्सप्रेशन अगर है तो उसे होल्ड करना जरूरी है। आपका एक्सप्रेशन जो आपको कोई मदद नहीं दे रहा, आपका एनिमी है, आपको कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा, उसको होल्ड करना बहुत जरूरी है। आई गिव यू इन द एंड लास्ट एंगर से रिलेटेड, एंगर मैनेजमेंट से रिलेटेड आई विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट। हाउ डू वी नो विच इमोशन नीड टू बी एक्सप्रेस्ड? यस, ये क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको एंगर मैनेजमेंट के थ्रू कैसा इमोशन उसके एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देंगे। हर इमोशन जरूरी है, एज आई ऑलरेडी सेड, हर इमोशन जरूरी है और हर इमोशन का एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन और शेयरिंग जरूरी है। लास्ट क्वेश्चन व्हाट आई हैव हियर इज हाउ कैन वी सपोर्ट फेलो वुमेन इन आवर लाइफ। सपोर्ट, हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, आई एम लिटिल डिफरेंट माइंडसेट थोड़ा सा इसमें है, हम एक सोसाइटी में रहते हैं ना, हम अगर आदमी कहे वी आर बेटर ऑफ देन वुमेन एंड वुमेन कहे वी आर बेटर ऑफ देन मेन, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। हम सोसाइटी में रहते हैं, हर किसी का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। हाँ, हमें सपोर्ट किसे करना है जो कमजोर है। अगर हमें लगता है कि कहीं पे कहीं कोई आदमी भी है, अगर लगता है वुमेन कमजोर पड़ रही है तो उससे भी सपोर्ट करना, करे कैसे सपोर्ट, किस वे में सपोर्ट करना है। तो जब भी हम कंपैरिजन मन में फील हो कि अरे वो तो इतना अच्छा कुछ कर रही है मैं नहीं कर पा रही, तो इट इज योर सेल्फ एस्टीम इश्यू और किसी का नहीं है। सो कॉम्प्लीमेंट, ताकि आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सके, यू फील गुड कि इन स्पाइट ऑफ आप नहीं कर पा रहे, आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। जब आप अपने लिए अच्छा महसूस करेंगे तो आप अपने लिए अच्छा भी कर पाएंगे। लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे या कमेंट्स पास करेंगे तो आप खुद के लिए सबसे पहले अच्छा महसूस नहीं कर रहे। जब खुद के लिए अच्छा महसूस नहीं करेंगे तो आप खुद भी नहीं बढ़ पाएंगे। सो बेस्ट थिंग टू सपोर्ट इज कॉम्प्लीमेंट, ऑलवेज अपलिफ्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द वुमेन अराउंड यू। इफ यू आर लुकिंग पर्टिकुलर वो आंसर आप देख रहे हैं तो किसी को लिफ्ट करिए, पुल मत करिए, क्योंकि लिफ्ट करने में आपकी नजर ऊंची रहती है, पुल करने में आपकी नजर रहती है कि कहां तक गिराना है। और जब आपकी नजर नीचे रहेगी तो आप ऊपर कैसे बढ़ पाएंगे, हाउ विल यू सी, कैसे आप देखेंगे कि रास्ता क्या है, वो किस रास्ते से ऊपर चढ़े थे। आपकी नजर नीचे रहेगी कि कितनी नीचे खाई है और आप बचाने में अपने आप में लगे हुए रहेंगे कि कहीं मैं ना गिर जाऊं खिसते खिसते किसी को, तो आप तो ऊंचा चढ़ने का कभी सोच भी नहीं पाएंगे। सो ऑलवेज लिफ्ट एवरीबडी, डू नॉट पुल देम डाउन। अनदर थिंग इज प्लीज लिसन टू पीपल, जितना वो अपना डिस्कस कर सकते हैं, अपने इमोशंस वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, अपने फियर्स शेयर कर सकते हैं, दैट इज द बिगेस्ट हेल्प। अगर आप डिस्कार्ड कर देंगे, ये तो रोते ही रहती है, अरे इसको तो कभी अच्छा दिखता ही नहीं, अरे इसको तो कुछ नहीं, दैट इज द इमोशन दे आर नॉट एबल टू हैंडल। वो एक पर्टिकुलर इमोशन है, वो जो हैंडल नहीं कर सकते उसको डिस्कार्ड मत करिए, सुनिए। और आपने जिस कारण से हासिल करा है ऊंचाई, उनसे शेयर करिए, लिसन टू देम मोर, दिस इज हाउ यू कैन हेल्प देम बेटर। सो अगर आप किसी खुद अगर किसी का भी अच्छा करते हैं तो इवेंचुअली उसके पीछे हिडन मोटिव है, आप अपने लिए अच्छा करते हैं और किसी के लिए नहीं। इफ यू आर पुलिंग एनीबडी डाउन, यू आर पुलिंग योरसेल्फ डाउन। दिस इज व्हाट आई वांट टू से एंड दीज आर द क्वेश्चंस आई हैड। एनी मोर क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क, आई कैन आंसर देम और आई कैन गिव सम मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड, लिटिल मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। Kriti ma'am, if you can just let me know. I think she cannot mute herself. If host can help her unmute. Unmute herself, yeah.
okay till then I'll take one question in the chat box what I can see ki agar aapka senior hi aapke sath wrong behave kar raha hai work justification mein to express his point Anna. we have to express this point to him or her ये क्वेश्चन अगर मैं सही समझ पाई हूं तो आप कहना चाहते हैं कि अगर आपका सीनियर आप पर वर्कलोड थोपना चाहता है ज्यादा और आपको उसको एक्सप्रेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये पॉइंट सबसे पहले आप अंदर देखिए यू हैव टू व्यू आपको क्या चाहिए कि आपका फोकस जो अभी है सीनियर पे कि वो आपको ज्यादा वर्कलोड थोप रहा है आपका फोकस अपने आप पर नहीं है अगर आपका फोकस अपने आप पर है तो पहले आप ये सोच लिए आप सोचना चाहिए आपको कि आपको वो वर्कलोड चाहिए या नहीं चाहिए आप बोलेंगे नोबडी वांट्स वर्कलोड डेफिनेटली लेकिन अगर आप सीनियर नहीं है जूनियर वाली पोजीशन में है दैट मींस आपको सीनियर बनने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत है तो यहाँ पे सीनियर भी स्टूपिड होगा कि आपको वर्कलोड दे रहा है और आप भी स्टूपिड होंगे आप वापस वर्कलोड सीनियर के ऊपर थोप रहे हैं दिस इज द टाइम टू गेन द एक्सपीरियंस बाय डूइंग दैट वर्क जितना आपसे पॉसिबल हो लर्निंग सो दैट वन डे यू कैन गिव द वर्कलोड टू योर जूनियर इट इज नॉट थ्रोइंग अवे बर्डन ऑन समवन इट इज व्हाट यू वांट टू टेक इट आपको क्या लेना है जो आपको लेना है वो चीज आपको लर्निंग टू से नो ये एक पावर है आप किस चीज के लिए नो कह रहे हैं जस्ट बिकॉज वो बर्डन आपको दे रहे हैं उसके लिए नो कह रहे हैं या आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए उसके लिए नो कह रहे हैं पावर नो बोलने का अगर मिला है तो समझदारी से कब नो बोलना है और कब नहीं बोलना है वो समझदारी उतनी ही जरूरी है सो इफ यू थिंक दैट वर्क कैन गिव यू एक्सपीरियंस देन प्लीज डू नॉट से नो एंड डू नॉट एक्सप्रेस कामली डू एंड फ्लरिश दिस इज व्हाट आई हैव टू से Yes, Kruti ma'am. Excellent, ma'am. Yeah, excellent. I'm so sorry for the disturbance. I think Mohit ne ek aur question write kiya tha chat box mein. Aur wo puchna chahte hain ki how much powerful are emotions actually and how to describe their power. So it's a wonderful question and very deep yes. question, I would say. Yeah. So. Absolutely. Wonderful question. Powerful. Emotion itne powerful hain sabse pehle. कि कितने भी आप पैसे वाले हो कितना भी आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा हो कितना भी आपका एनवायरनमेंट सुंदर हो कितना भी आपका इंटेलिजेंस हो सारा कुछ फीका पड़ जाएगा अगर यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है दैट मींस दिस इज वेरी वेरी पावरफुल एक ये एरिया है जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है हमारा जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ह्यूमंस का जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है उसी की वजह से ये इमोशंस जो है हमारे अंदर पैदा हुए हैं कि हम हर उसको नाप के आगे बढ़ सके क्यों ऐसा होता है कि जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं वो चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं एक अगर मैं छोटी सी एक्सरसाइज आपको करवाऊं कि दिन भर आप बहुत अच्छा प्लान किया है आज आपने सुबह से आप सोच रहे हैं आज ये करेंगे वो करेंगे फ्रेंड्स के साथ जाना है ये करना है वो करना है आपने बहुत कुछ अच्छा हासिल कर लिया और शाम को 4-5 बजे करीब किसी ने बोल दिया इस बंदे को तो अक्ल ही नहीं है ये बंदा कुछ नहीं जानता या जानती इसको सेल्फ एस्टीम नहीं है कॉन्फिडेंस नहीं है व्हाट विल हैपन टू यू यू विल फील डाउन एंड यू विल मे बी यू विल गो टू बेड क्राइंग शायद आप रोते हुए जाएं या यू डोंट फील गुड या और ज्यादा हो जब दिन भर 4 बजे तक आपने इतना कुछ पॉजिटिव हासिल किया तो वो एक छोटी सी चीज कैसे भारी पड़ गई कहने का मतलब है कि नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन से ज्यादा क्यों पावरफुल होते हैं क्योंकि फर्स्ट जो इंसान का नीड है वो है सर्वाइव करना जब वो सर्वाइव कर सकेगा तभी वो फ्लरिश कर सकेगा यानी पॉजिटिव इमोशन चिल्ला चिल्ला के आपको कहते हैं मैसेज दे आपको थ्रेटन फील हो रहा है इसको ध्यान दीजिए ताकि आप सर्वाइव कर सके तभी आप पॉजिटिव इमोशन में थ्राइव करेंगे नेगेटिव इमोशन में क्या होता है कि हमारा सारा फोकस एक क्लोज्ड फोकस हो जाता है
जो हम सिर्फ एक प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं जिसके लिए जरूरत भी है, और पॉजिटिव में हमारा फोकस ओपन रहता है, यानी हम बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं पॉजिटिव समय ताकि हम बिल्ड कर सकें। हम लोग क्या गलती करते हैं कि जब हम हैप्पी रहते हैं दैट टाइम वी जस्ट एंजॉय दैट हैप्पीनेस, वी डोंट इमेजिन या वर्क टूवर्ड्स मल्टीप्लाइंग इट। पैसे कमा लिए, अगर तिजोरी में रख दिया जाएगा तो क्या मतलब आएगा। यू आर ऑल इन द कॉलेज स्टार्टअप और इनोवेशन यूनिवर्सिटी की बात जब हम करते हैं, बहुत पैसा है और तिजोरी में पड़ा है तो कुछ फायदा होगा? हाउ यू कैन मल्टीप्लाई दैट, दैट इज द रियल गेम। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर इमोशन पे हम ध्यान दें, और इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं। पॉजिटिव इमोशन मल्टीप्लाई करने के लिए पॉजिटिव पावरफुल होंगे, एंड नेगेटिव इमोशन आपको सर्वाइव या सेफ रखने के लिए पावरफुल है। बट अगर आप सेफ नहीं है तो फ्लरिश नहीं कर पाएंगे। हेंस नेगेटिव इमोशंस बहुत ज्यादा पॉजिटिव से ज्यादा स्ट्रांग है। आई होप आई एम एबल टू आंसर व्हाट यू आस्क्ड। Any more questions? How can we support system to female business owners? Yes, I have already given this question. Female business owners ko hum kaise support kar sakte hain? I have already addressed that question. How can we build trust? Wonderful. What trust breaking situation? Trust pehle kaise develop hota hai? Pehle ye samajhna hame. ट्रस्ट कैसे डेवलप हो जरूरत है। शेयरिंग ट्रस्ट का जो बेस जो है दैट इज शेयरिंग। ट्रस्ट और जॉय, ये दो इमोशन जब कन्वर्ट होते हैं दैट क्रिएट्स लव। हम जो सोचते हैं कि किसी के साथ हम खुश हैं तो दैट इज लव, नो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है। तो जितना खुश रहना किसी के साथ जरूरी है उतना ही ट्रस्ट भी उतना ही जरूरी है। सो ट्रस्ट डेवलप कैसे करें, हाउ टू डेवलप दैट ट्रस्ट इन रिलेशनशिप, आइदर ऑफिशियल रिलेशनशिप हो, कपल रिलेशनशिप हो, फैमिली रिलेशनशिप हो, या फ्रेंड के साथ हो। ट्रस्ट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट टू हेल्प यू बॉन्ड इन दैट रिलेशनशिप। तो सबसे पहले आपको ऑनेस्टी की बहुत जरूरी है कि आप जो भी शेयर करें वो ऑनेस्टली शेयर करें, आप जो हैं वो बताएं। आप अपने आप को गलत ना प्रोजेक्ट करें, मैं कहूं कि नहीं आपको ये चीज करना चाहिए एंड आई एम नॉट एबल टू डू दैट। आप इमोशन पे ध्यान दीजिए, आप इमोशन को ध्यान सोचिए, फिर उसको यूज करिए। एंड व्हेन इट कम्स टू मी, मैं तो बहुत चिल्ला चिल्ला के या डांट डांट के या फिर रो के अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे, देन यू विल से कि यार आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं रहेगा, कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन शी इज, वो और कुछ बोलती है और करती कुछ और है। सो ऑनेस्टी इज वेरी फर्स्ट थिंग। मैं इसको बी रॉ बोलती हूँ, यानी इसको एब्रीविएशन मैंने दिया है बी रॉ, यानी बी फॉर बी ऑनेस्ट। ई बी ई का बी एक्सप्रेस क्लियरली, अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। कई बार हम लोग गोल गोल घुमा के बोलते हैं चीजें, बहुत क्लियरली नहीं बताते। सो जो भी हमें बताना है शॉर्ट में क्लैरिटी के साथ बताएं। सो बी ऑनेस्ट एंड एक्सप्रेस क्लियरली। आर फॉर इज वैल्यू रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को आप वैल्यू करिए, डू नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड। चलेगा इसके साथ ऐसे करेंगे ना तो चलेगा, इसके साथ वैसे करेंगे तो चलेगा। एनी रिलेशनशिप जिसके साथ आप रहते हैं, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड हो, वैल्यू देम, रिस्पेक्ट देम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिट मिस्टेक, अगर गलती हो गई है ठीक है, इट्स ओके, हर किसी से होती है, नोबडी इज परफेक्ट। अगर कोई कहे मैं गलती नहीं करता हूं तो वो झूठ बोल रहा है। इट इज इम्पॉसिबल नॉट टू मेक मिस्टेक्स, मिस्टेक्स की वजह से ही हम आगे बढ़ते हैं। सो एडमिट देम, व्हेन यू एडमिट देम, आर फॉर respect relationship, A for admit the mistakes, and W for weigh thoughts and actions before taking decisions.
अगर आप सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली आप पे बढ़ता है इंसान का। अगर आप चाहते हैं कि आप पे लोग ट्रस्ट करें तो आप ऑनेस्ट रहिए, आप चाहते हैं आप पे लोग ट्रस्ट करें तो आप एक्सप्रेस कीजिए जो आप चाहते हैं, रेस्पेक्ट कीजिए, अपने मिस्टेक्स एडमिट करिए और जो आपका डिसीजन है सोच समझ के लीजिए, तभी तो इंसान आपके पास आएगा। नहीं, इसका सोचा समझा हुआ डिस्कशन होता है, डिसीजन होता है, इट इज जस्ट नॉट रैंडम किसी ने बता दिया। Not only joy, but trust is equally important. Trust is earned, not asked. You cannot say, trust me. It is earned. You behave, all this be raw, and it is earned. You cannot say, just trust me, trust me. You cannot do that. Okay, so if you are not getting proper... Okay, excellent. Do you want me to take more questions? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. I think one question, we can take it. There's a beautiful question asked by Shivika, and I really appreciate her concern for the men. So she's talking about, as we are talking about the emotions and gender equality, and you say that emotions are very important as food and all that, but why is there no gender equality in this thing? So that is her question. Absolutely. She's adding it, expressing emotions as a woman is considered to be normal, whereas it's opposite in men case. So suicide and depression is increasing with respect to specific. So she's very worried about that. So anything if you can highlight on that. Definitely. Generally, jaise maine, sorry, you were saying something. Okay, so as I said earlier, कि हमारे बचपन से ही लड़कों को बोला जाता है गिर गया रोना मत, रोना कमजोरी की निशानी है, ये हो गया करना मत, डरना नहीं है, चलो जाओ, लड़की थोड़े ही है। तो आपके दिमाग में ये भर दिया जाता है कि लड़का और लड़की उन दोनों के इमोशंस अलग अलग हैं। लड़की को बोला जाएगा तेरे साथ नहीं, तू नहीं कर पाएगी, डोंट वरी, भाई को करने दे, पापा कर लेंगे। ये जो हमारे दिमाग में पेरेंटिंग का आई डोंट मतलब किसी को मैं दोष नहीं देना चाहती, बिकॉज पेरेंट्स भी कोई मैनुअल लेके बच्चा नहीं आता है कि दिस इज हाउ यू हैव टू रेज योर चाइल्ड, तो इसीलिए किसी को दोष ना दे, इट इज जस्ट लैक ऑफ अवेयरनेस और नॉलेज। लेकिन जो चीज आपको बार बार बोली जाए वो आपके दिमाग में सेट हो जाती है कि यू आर नॉट अलाउड दिस एंड यू आर अलाउड दिस, और इस वजह से वेमेन बहुत आसानी से अपने इमोशन एक्सप्रेस कर सकती है कि हाँ आई एम अलाउड टू डू दिस, और मेन नहीं कर सकते। और जब नहीं कर सकते तो उनका रहता है कि मैं करूंगा तो कमजोर दिखूंगा, और उस चक्कर में वो हथियार उठाते हैं एग्रेशन का, क्योंकि उन्हें कमजोर नहीं दिखना होता। उनकी गलती नहीं है, ये उनके दिमाग में फीड करा गया लर्न्ड इंफॉर्मेशन है। ये जब लर्न इंफॉर्मेशन होता है तो उनका अगर डिप्रेशन हो, अरे आपको कैसे हो सकता है, इतना इमोशनल आप कैसे हो गए। हर कोई इमोशन सबके एक ही तरह से काम करते हैं, इमोशन का सबका रिस्पांस तरीका एक ही है, मिस इन्फॉर्मेशन सबका वही हो सकता है, सबके पर्सपेक्टिव में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है अंडरस्टैंडिंग में, और उसकी वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन का चांसेस हो सकते हैं। एंगर इज व्हाट? एंगर इज वन टाइप ऑफ इमोशन, वो तो एक्सप्रेस करते हैं वो लोग आसानी से। इट इज द वीक इमोशन दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस। व्हाई? बिकॉज उनको ये बताया गया है कि आप ये एक्सप्रेस ना करिए, ये आपको कमजोर दिखाएगा। एंगर के लिए कोई नहीं बताता है कि आप ये कमजोर दिखाएगा, जबकि एंगर सबसे ज्यादा कमजोर दिखाता है इंसान, नॉट इन कंट्रोल। एग्रेशन आपको सबसे ज्यादा कमजोर दिखाता है, एग्रेशन मतलब आप अपना कंट्रोल में नहीं है, बट उसके लिए कोई किसी को नहीं बोलता है। सो दिस इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव, वी नीड एज अ पेरेंट्स बच्चों को सही पर्सपेक्टिव देने का, एंड इमोशनल वेलनेस इज ऑल अबाउट गिविंग राइट पर्सपेक्टिव, इट इज पावर ऑफ शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव। इमोशनल वेलनेस इज नथिंग बट पावर ऑफ शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव। आई होप Now we close from the audience, but I have one personal question I wanted to ask you. Like we are dealing with various quotients, so pehle sikhaya ki deal with intelligent quotients,
Right. Then social quotient came, and now it's an era where we need to learn and we need to teach others about adversity quotient, right? So, as a psychology expert, as a mental expert, I wanted to know any takeaways to deal with this adversity quotient. Are you asking about adversity quotient or emotional quotient? Your voice is breaking. Your voice is breaking. Can you type, please? Fine. No. Yeah, I will. Yeah, better. Better now. Yeah. Can you have takeaways to deal with adversity quotient? Right. Adversity is nothing but pain-taking capacity of an individual. Adversity quotient, pain-taking capacity of an individual. Agar insan, aapka jaise body muscle. I'm sorry. Yeah. Sorry, I'm just writing now. Yeah. Okay. Yeah. So can we have takeaway? Yeah. Takeaway. Yes, definitely. You asked a wonderful question. एडवर्सिटी क्वेश्चन का जो हम बात करते हैं इट इज पेन टेकिंग कैपेसिटी एक इंडिविजुअल का जो सहन शक्ति होती है उसके बारे में बात होती है ये क्वेश्चन कितना जरूरी है हमारी लाइफ में और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है मेरा इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है मेरा फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा है आई मीन इन द सेंस आई एम हेल्दी बट फिजिकली आई एम नॉट स्ट्रांग आई कैन से मेरा दूसरी चीजें एनवायरमेंटल क्वेश्चन या इंटेलिजेंट क्वेश्चन ये सारे अच्छे हैं बट मेरा पेन टेकिंग कैपेसिटी इतना स्ट्रांग नहीं है इन द सेंस कि अगर कुछ चैलेंजेस आए या प्रॉब्लम्स आई मैं तुरंत घबरा जाती हूँ इमोशनली मैं अगर कुछ हैवी चीज मुझे दी गई मेरे मसल्स उसके लिए तैयार नहीं है अगर कुछ फाइनेंशियल अभी जैसे कोविड वाला सिचुएशन आया तो ये सारी सिचुएशन आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन विद द प्रेजेंट एग्जाम्पल कोविड वाला कि जो एडवर्सिटी क्वेश्चन से रेडी थे इमोशनल क्वेश्चन से रेडी थे या फिजिकल उससे रेडी थे तो उनका जो एक क्रिकेट का मेरे को ज्यादा मच नॉलेज नहीं है बट एक रन आउट हुआ एक नॉकआउट हुआ या जो भी आप बोलते हैं कैच आउट हुआ या क्लीन बोल्ड हुआ लेकिन नॉट आउट सिर्फ वो ही लोग रह पाए जिनकी ये सारा पेंटिंग कैपेसिटी सही था फाइनेंशियल क्वेश्चन सही था How to improve on this adversity question? It starts from parenting. हम जो करते हैं spoon feeding जो हमारी चीज है physical question कैसे बढ़ाते हैं हम physical health strength कैसे बढ़ाते हैं by going to gym or by doing some extra work or heavy work. वैसे ही mental pain taking capacity जो हमारी है वो कैसे बढ़ाएं Failure है तो फेलियर से अगर मैं डराऊंगी अरे फेल हो जाएगा बच्चा फेल हो जाएगा तो मैं 99 ही लाने हैं या 100 ही लाने हैं देन ओनली यू विल बी सेड कुछ कर पाओगे आई एम सेइंग दैट फेलियर इज रॉन्ग फॉर यू व्हेन आई टेल देम फेलियर इज रॉन्ग हाउ आर दे गोइंग टू बाउंस बैक क्योंकि फेलियर आप कब तक बचा लोगे बच्चे को आज आप पढ़ा के उनको 99 ले आओगे स्पून फीडिंग अच्छा ये कर लो गूगल में देख लो ये चीज मिल जाएगा गूगल इज गुड बट वेन आपके अंदर की क्यूरियोसिटी जग चुकी हो तब टू कंफर्म लेकिन आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है गूगल में से प्रिंट करके सब कुछ दे रहे हो तो हाउ विल यू बाउंस बैक और जब प्रॉब्लम आएगी और गूगल नहीं होगा अहमदाबाद में 5 दिन के लिए आई रिमेम्बर 2 years बैक सारा इंटरनेट गायब हो गया था एंड मेनी ऑफ देम फेल्ट अब क्या करें वी डोंट हैव इट वॉज लॉस्ट देन वॉट सो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है एडवर्सिटी क्वेश्चन के लिए डिजायर टू एक्सप्लोर योर क्रिएटिविटी ओपन फोकस इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिविटी बच्चे को इतना एनक्लोज्ड मत कर दो कि इस बजे तक इतने बजे तक ये चीज होगा इतने बजे तक ये होगा यू आर स्पून फीडिंग लेट देम एक्सप्लोर लेट देम बी फ्री ताकि वो अपना क्रिएटिविटी एनहांस कर सके वो अपना एक्सप्लोर करने का जो नॉलेज है वो अपना क्यूरियोसिटी है उसको बढ़ा सके अपना क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम्स आती है लेट देम सॉल्व Come out with some suggestions and then guide them. क्या सही है क्या गलत है उनका critical thinking बढ़ेगा Let them take little challenges. I am not saying challenges का मतलब 100 की speed पे 120 की speed पे bike चलाइए वो पागलपन कहलाता है अपने ही life को खतरे में डालना Challenges का मतलब problems आई है
चैलेंज लेके उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका ढूंढे। कम्युनिकेशन, राइट कम्युनिकेशन, आप हर बार अगर हेल्प करते रहेंगे क्या बोलना चाहिए क्या बनाना चाहिए, एलोकेशन कॉम्पिटिशन है, डिबेट कॉम्पिटिशन है, पेरेंट्स सारा कुछ लिख के भेजते हैं, ऐसे ऐसे लाइन से बोलना। और जब रियल कम्युनिकेशन की बात आएगी रिलेशनशिप में, फ्रेंड्स के साथ में या ऑफिस में, तब देयर इज नथिंग। सो दीज फाइव इंपॉर्टेंट स्किल्स अगर हम पेरेंटिंग में टेक केयर करें तो एडवर्सिटी क्वेश्चंट डेफिनेटली बढ़ेगा, बिकॉज आपको पेन नहीं लगेगा, इट इज जस्ट एन हर्डल, स्पीड जो बम्प रहता है, दैट्स इट। सो दिस इज फ्रॉम मी। Thank you, ma'am. Thank you so much. It was really wonderful session, and I've really enjoyed. As mental health is always personally close to my heart as well, as I'm a third degree Reiki practitioner, and I've also suffered from a severe depression, and from there I've come out. So it's a need of the time, and we together need to deal with this. Absolutely. So thank you so much. It was a fantastic session, and you really dealt with so nice. With the lots of questions of students. Thank you so much. So now I would like to request. Really sorry. I am really sorry. A few questions I could not answer. I would love to some other time. Do keep in touch with Ekagra, and we are there for all this. Yes. Thank you, ma'am. Thank you. So now I would like to request Arpita ma'am if she is able to unmute herself and express the vote of thanks to our participants and to our guests today. हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं द्रौपदी गांधी जी, जिन्होंने काफी अच्छे से हमें इमोशंस, थॉट्स, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए और हमें ये इम्पोर्टेंट समझाया कि फिजिकल हेल्थ का जितना हम ध्यान रखते हैं एक्सरसाइज और योगा से, ऐसे हमें मेंटल हेल्थ पे कैसे काम करना चाहिए, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी स्वर्णिम टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के मॉडरेटर डॉक्टर कृति पटेल को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, और हमारे स्टूडेंट्स जो यहाँ इतने नंबर से यहाँ उपस्थित रहे, उन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। A request, small request, Kruti ma'am. If you can share with all the participants just the Facebook page link so that they can just get little small tidbits of motivation if they like to. Yes. But I'm actually on Facebook live as well. So we will share even that link also with you. Yeah, Ekagra page. Forward, Yeah, even that also we will forward with students, right? Thank you so much. So here I am announcing the closing of today's session with one more shayari. Manzile, unhi ko milti hai jinke irado mein jaan hoti hai. Manzile unhi ko milti hai jinke irado mein jaan hoti hai. Humko se kuch nahi hota, hausle se udaan hoti hai. Aur ye hausle emotion se hi bante hai. So keep giving importance to your emotions and just cherish the life gifted to you by the God. Thank you so much once again to everyone. Thank you, Raman. Thank you so much. Thank you, Nita ma'am. Thank you, Arpita ma'am. All the participants, all the attorneys, everyone. Stay tuned. Take care. Take care of your health.